हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी दिवाली। कैसे आप लोग? मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने मेरा ये रेंटेड फ्लैट कैसे दिवाली में डेकोरेशन किया है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको सजाया है। हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। थोड़े से मैंने लाइट लगाए, कुछ मेरे DIY पहले से किए हुए थे, मैंने हल्का सा एक दो तीन DIY किया, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ये मैंने एक बॉटल बनाया है, जैम का बॉटल था, इसके ऊपर मैंने जूट थ्रेड लपेट दिया है और जस्ट थोड़ा सा ऐसी फ्लावर बना दिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक बैटरी वाला कैंडल रख दिया है और दो छोटे जैम के बॉटल मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने उनको, ये देखिए, इसके अंदर भी मैंने ये पेबल्स रख दिए हैं। और एक मेरे पास कुछ कलर्ड वाले स्टोन भी पड़े हुए थे, उसमें मैंने डाल दिया है और जूट थ्रेड थोड़ा लपेट दिया है और कुछ भी नहीं किया है। और इनको मैंने जस्ट डेकोरेटिव पीस के जैसा इस्तेमाल किया है। इसके अंदर मैंने टी टाइम कैंडल रख के जलाया है। तो आप बहुत आसान सा तरीके से अपने घर को इस दिवाली में सजा सकते हैं। कुछ आइडिया मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, शायद आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो आप रंगोली देख रहे हैं, ये मेरे एंट्रेंस में मेरी बेटी ने बनाया है, लेकिन बाहर बहुत नॉइज़ हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे आराम से वीडियो नहीं बना सकती हूँ। बस एट ए ग्लांस मैं आपको दिखा दे रही हूँ मेरे ये एंट्रेंस। ये तोरण जो है ये भी मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है। और मेरे एंट्रेंस में ये कुछ पेड़ पौधे भी मैंने लगाए हुए हैं, क्योंकि बिना पेड़ के तो मैं सोच ही नहीं सकती अपने घर का एंट्रेंस। मैंने एक छोटा सा जू टाइप का बनाया हुआ है, यहाँ पे मैंने कुछ पेड़ लगाए हुए थे, पहले से लगा हुआ था। इसमें मैंने सिर्फ इंक्लूड कर दिया है, मेरे दो DIY किए हुए हैं, दो जैम के बॉटल है, उस पे मैंने जूट के रोप लगा दिए और उसमें छोटे छोटे ये वाइट पत्थर जो आपको दिख रहे हैं वो डाल के मैंने टी लाइट कैंडल लगा दिया है। और एक बाउल में थोड़े से फ्लावर पेटल्स रख के उसमें भी चार टी लाइट कैंडल लगा दिए हैं। और ये मेरा सोफ़ा, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, इसमें सिर्फ मैंने कुशन चेंज कर दिए, तभी इसका लुक इतना अच्छा दिख रहा है। और ये मेरा कॉर्नर में एक पेड़ था पहले से, मैंने उस पर थोड़े से लाइट्स लगा दिए और उस कॉर्नर्स पे भी मैंने ये जो बैटरी वाले कैंडल डाल दिए। दो तो मैंने ऐसे सिंपल कांच के ग्लास रखे, सबके घर पे ऐसे होंगे कांच के ग्लास, उसके अंदर मैंने ये बैटरी वाले कैंडल रख दिए। एक तो मेरा कैंडल होल्डर है और ये मेरा बैल्कनी यहाँ से आपको दिख रहा है, जिसका वीडियो मैं बाद में बना के आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इस बार मुझे कैंडल ज़्यादा बनाने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने थोड़े से अपने DIY किए हुए लगाए और थोड़े से मैंने मार्केट से ही ले लिए। ये मैंने दो छोटे कैंडल होल्डर लिया है। यहाँ पे भी मैंने एक बाउल में थोड़े से फ्लावर पेटल्स रख के उसके ऊपर मैंने तीन टी लाइट कैंडल लगा दिए। ये कितना सुंदर लग रहा है। ये मेरे गणपति जी हैं। आप जो ये कैंडल देख रहे हैं, लास्ट टाइम जो मैंने बनाया था आप लोगों से शेयर किया था, जो पहली बार देख रहे हैं मैं उनको इसका लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पर मैंने एक इरका पाम लगा दिया। इरका पाम हमेशा कहीं भी आप लगा दीजिए, वहाँ फिट हो जाता है। और आप लोगों को पता ही है जो मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पेड़ इतने पसंद है कि बिना पेड़ के तो मैं कोई डेकोरेशन सोच ही नहीं सकती। ये मेरे बॉटल DIY किए हुए, ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है। और इस टेबल में ना मैंने टेबल क्लॉथ नहीं बिछाया और टेबल रनर भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैंने अभी अभी फ्लैट चेंज किया है तो मैंने कहाँ रखा है वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने टेबल क्लॉथ को ही फोल्ड करके जस्ट रनर के जैसे लगा दिया है। और दो बॉटल जो मेरे पहले से मैंने बनाए हुए थे उसको मैंने यहाँ पे सजा दिया है। ये दिया जो लास्ट टाइम मैंने बनाया था वही लगाया है। इसके साथ ही मैंने, ये मेरा टीवी स्टैंड है, टीवी स्टैंड के ऊपर मैंने मेरे DIY किए हुए बॉटल जो आप देख रहे हैं, ये भी एक जैम का बॉटल है, इसको मैंने हल्का सा फेविकल का पेंट कर दिया है ग्रीन और येलो में और जूट थ्रेड लपेट दिया है। इसके अंदर भी मैंने बैटरी वाले कैंडल लगा दिए। बहुत ही सिंपल सा मैंने इस बार लुक दिया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। घर पे कैंडल बनाना बहुत ही इजी है,
मैं फिर आपसे शेयर करूँगी कभी। अगर आप लोग कुछ कैंडल बनाना सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको पूरे घर का लुक दिखा देती हूँ। अब चलिए लाइट बंद करके देख लेते हैं कैसा लग रहा है। वाओ, मेरा घर मुझे खुद पहचान में नहीं आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये दिवाली का सजावट, ज़रूर बताइएगा। अगर इनमें से कुछ पसंद आए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं भी पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कमेंट करके।